दोस्तों, किसी देश में बिजनेस करना कितना आसान है ये वहाँ की कनेक्टिविटी को देखकर पता चलता है, और कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है ये उस देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर पता चलता है। भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा रहा है, इसलिए भारत सरकार कई हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बना रही है। आज के इस वीडियो में हम भारत में बन रहे कुछ बेहतरीन एक्सप्रेसवेज को देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 1483 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे जापान की मदद से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाया जाएगा, जिसके कुछ सेक्शंस को 12 लेन का भी किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नोएडा से शुरू होगा और ये गुड़गांव, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पास JNPT तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को 1,00,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और इसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अलोंग बनाया जाएगा, ताकि लॉजिस्टिक्स की फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव मूवमेंट हो सके। इसके बनने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच 24 घंटे का सफर महज 13 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इंडस्ट्रियल हब और मैन्युफैक्चरिंग हब के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, और इस एक्सप्रेसवे के कुछ सेक्शंस को इलेक्ट्रिफाइड भी किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे का 60-70% काम पूरा हो गया है और 2023 तक ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के परी चौक से आगरा के कुबेरपुर में NH2 के साथ जाकर मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 165.5 किलोमीटर है। ये यूपी के कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वृंदावन, मथुरा और आगरा। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन का कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया गया है, यानी इसमें स्पेसिफिक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है। इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन का काम 2007 में मायावती के समय में शुरू हुआ था और 2012 में अखिलेश यादव के समय में ये बनकर तैयार हो गया। इस एक्सप्रेसवे को बनाने का काम JP इंफ्राटेक लिमिटेड ने किया है, जिसे 12,829 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे में गाड़ियों की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इस एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों, 2015 में यमुना एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जहाज मिराज 2000 को उतारा गया था, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रेटेजिक एक्सप्रेसवे भी बन गई है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 600 किलोमीटर होगी। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज के जुदापुर गांव तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 36,000 करोड़ की लागत से बना रही है। गंगा एक्सप्रेसवे को 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन का कर दिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे भी एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी इस पर आप केवल टोल प्लाजा से ही एंट्री ले सकते हैं, और अगर आप 20 से कहीं से एंट्री लेते हैं तो आप पर फाइन लगेगा। इसलिए इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ कंक्रीट के दीवार बनाए जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और 519 गांव होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मेरठ से प्रयागराज के बीच 10 घंटे के सफर को महज 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, और सबसे मजे की बात, सुल्तानपुर के पास भारतीय वायुसेना के लिए इस एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। दोस्तों, वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे का 80% लैंड एक्विजिशन हो चुका है और 90% होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। यूपी सरकार का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे का काम 2021 के सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और इसे 26 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वर्तमान में सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है, जिसकी कुल लंबाई 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन का कर दिया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा के इनर रिंग रोड से लखनऊ के फतेहगंज तक जाएगा, जो सिखोवाबाद, फिरोजाबाद, मायापुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, कन्नौज और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा।
इस एक्सप्रेसवे से आप आगरा से लखनऊ महज 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कई प्राइवेट कंपनीज जैसे टाटा कंस्ट्रक्शन, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, नाग अर्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी और लार्सन एंड ट्यूब्रो की मदद से 13,200 करोड़ की लागत से बनाई है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे बनाने का काम 2015 में शुरू हुआ और 2017 में इसे बनाकर तैयार कर दिया गया। इस एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन डे के दिन भारतीय वायुसेना के 6 लड़ाकू जहाज को लैंड करवाया गया था, जिसमें सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 शामिल थे। इस एक्सप्रेसवे पर भी भारतीय वायुसेना के लिए 3 से 4 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।